कैसे मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके लिए दुआ गो। और आज मैं आई हूँ जी गोलरा रेलवे स्टेशन, तो इसकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। वो अंदर चल के वो जो हैं अंदर, मैं उनको मैं कहती हूँ इसकी हिस्ट्री बताते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानती ज़्यादा। यहाँ पे ये मेरे पीछे जो है ना, ये बहुत पुराना इंजन है, इसके पास मैं खड़ी हूँ और यहाँ से मैं स्टार्ट ले रही हूँ और चलते हैं फिर आपको ना अंदर से सारा म्यूजियम का दिखाते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पर ही रेलवे स्टेशन के पास हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर आ गई है ट्रेन, हम आपको दिखाते हैं ट्रेन। यहाँ देखें आपको ट्रेन नज़र आ रही है, कराची से आ रही है, कराची से सुबह कल 7 बजे। अच्छा, चलें जी अब बाकी स्टेशन विज़िट करते हैं। जी ये जो सामने इंजन नज़र आ रहा है, ये जो है ना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। ये यूज़ हुआ करता था लाहौर से खानेवाल, जब इलेक्ट्रिक चलती थी ना ट्रेन, ये वो वाले इंजन है। खैर हमने उस ज़माने में थोड़ा सफ़र किया हुआ, छोटे छोटे होते थे। ये भी सुनहरी यादें हैं पाकिस्तान रेलवे की। और इस वक्त हम आ गए हैं गोलरा रेलवे स्टेशन पे अपनी टीम के साथ जी। यहाँ पे ये भी खड़ी है, वो भी दिखाते हैं आपको। और दरख्त देखें जी, बहुत पुराने दरख्त हैं बोर्ड के ना, 1, 2, 3, 4 में भी ज़्यादा लगे हुए हैं आगे तक। ये जो है ये जंक्शन है ना, जंक्शन है ना, यहाँ से एक लाइन फतेह जंग चली जाती है। अच्छा। और एक लाइन पेशावर को चली जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, और अटक वगैरह को भी जाती है। अभी हाँ, एक ट्रेन गुजरी है ना, गोलरा शरीफ जंक्शन है, जंक्शन है। मैं यहाँ मज़े कर रही हूँ जी, इंजॉय कर रही हूँ मैं बैठी हुई। ये देखें इंजन, पता नहीं कितने 100 साल पुराना इंजन है, तो मैंने कहा चलो मैं बैठ जाऊँ, अरसा ही गुजर गया है तो ट्रेन का सफ़र नहीं किया हुआ, यूँ लगता है जैसे अभी चल पड़ेगा ये। आप मेरा विलास ज़रूर देखिए जी, ये 2-3 किस्तों में आएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बड़े पुराने दरख्त हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, परिंदे बोल रहे हैं, चहचहा रहे हैं। साथ गाँव ही है इनका ना। हाँ, सामने है ना। चलते हैं जी, ये बड़ का दरख्त है, इसके बड़े बड़े राज होते हैं। हाँ, और एक लाइन में सारे दरख्त की माशाल्लाह देखें, दिल कर रहे हैं डब्बा खोलें और अंदर बैठ जाएं इसके, कहीं घूम फिर के आए। असल ये जो है ना, ये वाली ट्रेन ये छोटे गेट पे चलने वाली, देखा ना इसकी पटरियाँ छोटी हैं। हाँ, ये सिंध वाले एरिया में यूज़ होती थी। अच्छा। राजस्थान वाला एरिया नहीं है जो इंडिया का और पाकिस्तान का। यहाँ पे जो जिनकी शादियाँ होती हैं ना, वो भी आके अपना फोटो शूट करवाते हैं इस रेलवे स्टेशन पे, इनके इंडियन वगैरह पे गूगल पे जाके आप देखें तो वो भी उन्होंने डाली हुई हैं। यहाँ देखें ये बॉक्स है मेरे हाल में, कैश कैश के लिए ना लिखा हुआ है ना इस पे, कैश कैश सेविंग के लिए ये बॉक्स है। अभी तो उधर क्या कुछ इसके अंदर है, निकाल लें कैश फिर ये उसके लिए है, कैश ये सीने सुना है, इधर कैश डालो तो डबल हो जाता मुझे लगा कि ये बारबेक्यू वाला सच में मैंने ऐसे समझा, बारबेक्यू कर ले ये बंद है। बड़ा मज़ा आता है हिस्ट्री को ज़रा देखें ना। हाँ, बहुत थोड़ा सा शौक फिर बढ़ता है और बंदे का, और बढ़ता है। ये इंस्पेक्टर कार है जो रेलवे के इंस्पेक्टर नहीं होता ट्रैक को। अच्छा। ये उसकी जो है ना केबल है, ये नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, लिखा उनके रहने मतलब मेंटेनेंस वगैरह जो चेक करते थे ना ऑफिसर वगैरह। इसी ज़माने में जी ये हर बंदा यूज़ करता था, बहुत टॉप पर जाती थी रेलवे,
अभी भी रेलवे ठीक है, पर ये कि जो ब्रिटिश दौर था उसमें ज्यादा अच्छी थी। आप साथ साथ हमारे ये दरख्त देखते गए जी, ये हजारों साल पुराने दरख्त हैं। ऐसा ही है, ये अभी आपको यहाँ से इनका ये नजर आएगा ऊपर, ये देखे कितने घने हैं। हाँ वो दूर हो गए उस तरफ से दिखा सकते हैं, ये सिग्नल भी दिखाओ ना जरा ऊपर से। हाँ ये दिखाते, ये पोस्टल वैन है रेड कलर वाली, इसमें डाक जाती थी, इसमें डाक जाती थी। हाथ पत्थर यहाँ जाते होंगे पोस्ट। और ये रे छोटे दो तीन बंदे यहाँ से निकालते होंगे। ये फर्स्ट क्लास था दी, ये कोहाट जाती थी देखा ट्रेन, ये ऊपर लिखा हुआ ये देखे। हाँ कोहाट, ये वो है कि हमने वचन है देखना, वो इस पे बैठते थे और ये चलती रहती थी रेड़ियाँ, ये हमने देखा होगा कि जहाँ हम रहते हैं हमारे घर के पास रेलवे स्टेशन है। हाँ वो भी तो आबाद था ना, तो ये हमने देखा हुआ है, ये जाते होते थे रात को भी डे को भी, वो ना ट्रैक चेक करने के लिए कहीं टूटा नहीं है ख़राब तो नहीं है सारा, ये वो लोग यूज़ करते थे। अभी भी करते ही होंगे कुछ, शायद कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ें आ गई हैं। मज़ा आ गया जी, मुझे तो मज़ा आया क्योंकि हम बचपन में से देखते हैं, क्योंकि जब जहाँ हम रहते थे वो भी जंक्शन था। यस वाह ज़बरदस्त, यहाँ पे चढ़ के आप बड़ी अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं और हम भी बनाने लगेंगे एक दो पिक्चर्स अच्छी सी। जी तो यहाँ पे देखें, ये एक और इंजन है, हिस्ट्री तो मुझे इसकी पता नहीं है मगर हैं ये पुराने जो पहले वो कोयले से चलते थे वो वाला इंजन है। तो यहाँ दरख्तों के नीचे इन्होंने सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूम। वो वहाँ ये मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, वहाँ एक चैन है देखो ज़रा कितना मोटा ये चैन है, नीचे देखें उस दरख्त के नीचे कदम कोई चीज़ इन्होंने बांधी होगी। ये यूज़ होता होगा ना किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए यूज़ तो करते होंगे। हाँ यूज़ करते होंगे ना ये सारा पूरी दरख्त। और ये भी देखें, ये भी देखें, ये डीजल इंजन जब आए थे बाद में ये वो है। और वहाँ सामने गोल्डा शरीफ जंक्शन टेक्सला हरिपुर हवेलियाँ अटक और नौशहर और पेशावर के लिए जो ट्रेनें जाती थी उनका ये जंक्शन है। और ये मेरा ख्याल है ये वो जो चेंज करने के लिए ट्रैक जिसपे पटरी बिछती है ना, ये वो है नीचे जो अच्छा वो होते हैं बजरियों में जो। अच्छा अच्छा देखें जरा, हाँ ये सारे वहाँ तक ये जो यूज होती हैं उसमें पटरियों के लिए ट्रैक बिछते हैं उनके लिए। काफ़ी लोग आए हुए हैं, अभी आगे मेन स्टेशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड म्यूजियम है, ये सारी इनकी लाल टैंक्स हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है रेलवे ऑपरेशन। ये भी लाल टाइम सारे सिग्नल्स वगैरह के लिए सिग्नल। ये जो ये यहाँ से जो ट्रेन आती थी ना उसको सिग्नल देने के लिए चाबी वगैरह यूज होती थी। एक दूसरे से मिलने का रास्ता के जरिए लाइन पर बातचीत की जाती थी, इसमें इनसे बातचीत करने पुराने लोगों में इस्तेमाल होने वाली घंटी बैल, इससे बैल बजती थी और बहुत फोन से मोरस कोड ये कोड छोड़ होते थे समझो। ये भी एक दूसरे से बातचीत की ये सारे मेरे घर में वही बातचीत के लिए फ़ोन वगैरह जो यूज़ करते थे वो लिखा हुआ नहीं है। बैटरी से चलने वाले हीटर हैं, देखें कितने बारीक इनके रॉड हैं। उन्नीस सौ बारह की ये देखें जी, बैटरी से चलने वाले पंखे हैं ये, उसमें लगे होते होंगे ना रेलवे उसमें
सेटिंग वाली जो जगह होगी बैठने के लिए, अंदर ये किस चीज़ का लिखा हो? ये लैंप वगैरह में सब इंजन के जी। ये सारे यूज होने वाले टूल्स हैं मेरे, अभी सारे यूज लग रहा है मेडिकली यूज होंगे ना, मुझे लग रहा है मेडिकली रेलवे के हॉस्पिटल भी हैं ना, ये रेलवे हॉस्पिटल में इस्तेमाल, रेलवे अस्पतालों रिलीक बोग में इस्तेमाल होने वाले इलाज जरा है। हाँ ये वही है सारे, ये देखिए क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। इंग्लैंड के हाँ फर्स्ट एड बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स रेलवे ट्रैक को यूज करने में ये घंटी कराने का इस्तेमाल भैया भी है सर, स्टेशन मास्टर का इस्तेमाल होने वाला है कि स्टाफ को बुलाने का इस्तेमाल होने वाला लाइट्स के लिए यहाँ पे स्टेशन पे अब रश शुरू हो गया, ट्रेन आने वाली है, लोग बैठे हुए हैं उस इंतज़ार में जाने के लिए, कंबल और अपने सामान उठा के सफ़र का। और यहाँ पे सामने देखेंगे उसको, ये मालगाड़ी है उसका डब्बा है, इसमें सामान जाता है जो बुक होकर आता है लोगों का। और ये जो है ये टैंक इसी पे आते जाते होते थे, उन्होंने ये सैंपल रखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ रश हो गया, आप ये दरख्त देखें बरगद के, ये कितने ज़्यादा हैं, सात हैं, हज़ारों साल पुराने हैं, जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ। ये इतने बुज़ुर्ग वाले दरख्त हैं हमारे, यहाँ देखें बड़ा प्यारा था जी ये रेलवे स्टेशन। यहाँ देखें जी कितने अच्छा ट्रैक लग रहा है, शाम हो गई है यहाँ पे, हमें शूट करते करते क्योंकि है भी थोड़ा दूर है हमारे घर से, कुछ ढूंढना भी पड़ा है हमें। यहाँ मुर्गियाँ भी फिर रही हैं आस पड़ोस में, घर है ना गाँव में पुराने लोगों के, और सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कोई ट्रेन आने वाली है। उसमें महर एक्सप्रेस आनी है मुल्तान जो होती है। अच्छा अच्छा महर एक्सप्रेस, ठीक है। मेरे ख्याल में डीजल निकालने वाला होगा, इस पे लिखा हुआ मुझे लग रहा है कि ये ISR B Warner को इंजीनियर लंदन लंदन का बना हुआ है जनाब, 1904 का। ये पानी निकालने के लिए मुझे लग रहा है, पानी निकालने के लिए, पता नहीं किस चीज़ के लिए, ये इसके बारे में पता नहीं है। बारह ये भी हमने दिखा दिया, किसी को पता होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ये था क्या। चलाए जरा शायद डीजल ही निकला है कोई और ना रौला हो जाए ना, डीजल निकलता तो लोग छोड़ते ही नाराज होता है।
बस यहाँ पर ही जाता है। सो गए यासीन? वैसे लगाना सिंपल बना हुआ बनी खड़ा किया है मैंने ये तो। यही मेरी बैक साइड पे जो है ये बिजली वाला इंजन है। ये यहाँ पे सारे खड़े हैं जो माप चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं, इन्होंने सिर्फ इसलिए रखी हुई है कि लोगों को ये हिस्ट्री मिले। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैंने सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा व्लॉग। कुछ गलतियाँ हैं कुछ भी हुई हैं तो मुझे बता दें, वो मुझे कमेंट में आप बताएँगे तो मुझे पता चलेगा। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।